पंजाब में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। विजिलेंस की टीम ने कांग्रेस सरकार में रहे मंत्री साधु सिंह धर्मसोत को गिरफ्तार कर लिया। खबर है कि मंगलवार तड़के राज्य के पूर्व मंत्री साधु सिंह धर्मसोत को भ्रष्टाचार के आरोप में अरेस्ट किया गया है। आधिकारिक सूत्रों ने यह भी जानकारी दी कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती सरकार में समाज कल्याण और वन मंत्री रहे धर्मसोत को अमलोह से गिरफ्तार किया गया है। हम आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या, पूर्व मंत्री को गिरफ्तार क्यों किया गया। दरअसल मोहाली के डीएफओ गुरमनप्रीत सिंह की तरफ से WWICS के मालिक BS संधू के खिलाफ 9 मई को नया गांव थाने में केस दर्ज कराया गया, जिसके बाद उनके बेटे देवेंद्र संधू ने डीएफओ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। इस मामले में 2 जून को विजिलेंस ब्यूरो ने मुकदमा दर्ज किया। डीएफओ और ठेकेदार हरमोहिंदर सिंह उर्फ हम्मी को गिरफ्तार कर लिया गया। उस मामले में दोनों आरोपियों को 4 दिन की पुलिस रिमांड ली गई, जिसमें उनसे पूछताछ हुई। सूत्रों ने बताया कि पूर्व मंत्री के गिरफ्तार वन अधिकारियों से संबंध थे। उन पर 25,000 से अधिक पेड़ों की कटाई में शामिल होने का आरोप है। इस मामले में एक पंजाबी दैनिक अखबार के खन्ना स्थित पत्रकार को भी गिरफ्तार किया गया है। दरअसल पंजाब में भगवंत मान सरकार एक्शन में है और भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़े हुए है। भ्रष्टाचार के मामले में पंजाब सरकार तेजी से एक्शन ले रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पिछले महीने अपने स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला को भ्रष्टाचार के आरोप में कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया था। सिंगला कथित तौर पर निविदाओं में 1% कमीशन की मांग कर रहे थे। सिंगला को पद से हटाने के बाद पंजाब पुलिस की भ्रष्टाचार विरोधी शाखा ने उन्हें गिरफ्तार किया था। इस गिरफ्तारी के बाद सीएम मान ने संकेत बिल्कुल साफ कर दिए थे कि अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल अब गिरफ्तार पूर्व मंत्री साधु सिंह से इस मामले में पूछताछ की जाएगी। खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।